और वो इसी शहर में रहती है सर? हाँ। आप कभी मिले नहीं उनसे? इत्तेफाकन नहीं? देखो सलमा, इंसान की जिंदगी में कभी न कभी उसे ऐसा मौका जरूर मिलता है जब वो अपने इरादे को, अपने दिल को किसी दूसरे की रजा पर कुर्बान कर देता है, किसी दूसरे की फलाह पर निछावर कर देता है। लेकिन ये आसान काम तो नहीं? मैं तब कह रहा हूं कि ये आसान काम है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है सदमा। लेकिन इसके बगैर क्षमा रोशन नहीं होती, आग भड़कती नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। देखो सदमा, आम इंसान की आम जिंदगी में उसका इरादा, तहिया, मर्जी, नियत मुंतशिर हालत में रहते हैं। उसकी ख्वाहिशें फीकी फीकी और फैली फैली सी रहती हैं, लेकिन किसी वाकया के दौरान जब किसी लम्हे कबूलियत के वक्त, जब किसी शदीद दबाव के मुहद्दब शीशे में से इरादे की रोशनी गुजरती है, तो वो रोशनी सारे वजूद को भड़का देती है। फिर इंसान अपनी जात के गिर्द घूमना बंद कर देता है और फिर किसी बड़े ऑर्बिट का मुसाफिर बन जाता है, किसी और मदार में गर्दिश करने लगता है। लेकिन सर, अपनी विल को किसी और के सामने सरेंडर करना इतना आसान तो नहीं सर। इस तरह तो आदमी स्लेव बन जाता है और 20वीं सदी में गुलामी का तस्वीर बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मैं कब कहता हूं कि आसान है? लेकिन सलमा, कतरे को समंदर बनने के लिए, नदी को दरिया बनने के लिए ये सबक सीखना ही पड़ता है। शिफ्तगी और फिरिश्तगी से इश्क में दाखिल होने के लिए इस आग में से गुजरना ही पड़ता है। तो ये सारा कुछ इस मॉडर्न शहर में फ्यूटाइल सी बात लगती है सर, कुछ अहमकाना सी भागलपन की बात। सर, कौन किसी के लिए अपने अख्तियार को छोड़ता है? तुम ठीक कहते हो, आम इंसान के लिए आम हालात में, आम मौसमों में, आम तजुर्बा से गुजरते हुए ये अहमकाना सी बात है। लेकिन कुछ लोग, बिल्कुल गिनती के चंद लोग इस शहर में मौजूद होंगे जो अपने महवर के गिर्द घूमना छोड़ना चाहते हैं, अपनी जात की कोठरी से निकलकर एक बड़े करिश्मे में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अपनी दिल को सरेंडर करना बहुत अहम है। कैसे? एक वक्त ऐसा आता है सलमा, हर इंसान की जिंदगी में, जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले ही ये सबक सीखे हुए होते हैं उनके लिए मशीयत का हिस्सा बनना आसान हो जाता है। जिन्हें सर झुकाने की मशक न आती हो उनके लिए जिंदगी अजाब बन जाती है। आपके काम आया सर अपने दिल को सरेंडर करने का सबक? हाँ, एक मुद्दत के बाद जब मैं उसे भी भूल गया तो चंद माह हुए मैंने अपने इरादे का दिया रोशन कर उसकी चौखट पर रख दिया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि उसने
वो दिया बुझा दिया या रोशन रहने दिया मुझे याद नहीं है। चलो